राम राम किसान भाइयों, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल अमर रहे। किसान भाइयों, आज आप बात करांगा डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी का जीवन परिचय के बारे में। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी को जन्म है जो को जींद जिले के जुलाना हल्के के नंदगढ़ गांव के अंदर हुए 4 अप्रैल 1962 ने। वह पिता को नाम गणेशी राम और माता को नाम धनपति देवी हो। एक साधारण किसान परिवार हो। तो बंगी जबकि प्राथमिक शिक्षा है जबकि बस गांव का सरकारी स्कूल ही पूरी हुई। 10वीं बा हिंदू हाई स्कूल सोनीपत पास करी। आर्थिक तंगी, परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी के कारण, परिवार की जिम्मेदारी के कारण थोड़ा कष्ट के अंदर बा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय BSc एग्रीकल्चर करी, फिर MSc एग्रीकल्चर करी, फिर PhD बाकरी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। पढ़ाई के दौरान ही बांगी श्रीमती कुसुम जी शादी होगी। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ईमानदार, कठोर परिश्रमी, दृढ़ संकल्पी, दूरदर्शी, एक मान लो बहुत बढ़िया वक्ता। छात्र जीवन में डॉक्टर दलाल जी है जगह स्टूडेंट संगठन हो जो को SFI भी जुड़िया रहा। SFI का राज्य अध्यक्ष के पद पर भी मां संगठन को नेतृत्व करो। बन सामाजिक कार्यों बड़ो लगाव हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, बहुत लगाव हो बन, क्योंकि वह बंग है अड्डा बीती बात ही। पढ़ाई के दौरान वहाँ कई छात्र संगठन छात्र आंदोलन में भी भाग लियो। ब्यों बाद में वह हरियाणा सरकार के कर्मचारी के तौर के ऊपर ADO की पोस्ट के ऊपर गांव निडाणा का माँ तैनात होया। 2002 का माँ जब अमेरिकन सुंडी को बहुत तकड़ो कहर हो, बी टाइम सारो की फेल हो गयो, कोई जहर काम कौन करो, लोग 35-35 स्प्रे करती, फिर भी हरियाणा पंजाब राजस्थान की नरमे की फसल की सारी चौपट होगी। तो दैनिक ट्रिब्यून ने अखबार गमा एक लेख छप्यो भी आ जकी हार है, आ सारी साजली हार है सरकार की, कृषि अधिकारियों की, कृषि वैज्ञानिकों की, किसानों की, सारा की साजली हार है जकी एक 6 सेंटीमीटर की कीट है जको सुंडी है बाकी गई काबू को नहीं आई। अब आ डॉक्टर दलाल जी के बड़ी लगी तो बा सोच भी हो कि सकें भी इतनो जहर गिर दियो फिर भी कीट है जो काबू को नहीं आए मिकन सुंडी। तो बाँ भी पर रिसर्च शुरू कर दी, निडाने गाँव में खेतों में वह कैमरों लेके सवेरे ही बैठ जाता, पूरी दोपहर चल जाती, बहुत कठिन परिश्रम करो, बहुत मेहनत करी, मेहनत करके बा इतनो कठिन परिश्रम करके 206 प्रकार का कीटा का कार्यकलाप बांगो जन्म बांगी उम्र बांगो बच्चा को रहनो सारो बा रिकॉर्ड करो। 206 प्रकार के कीटा में डॉक्टर दलाल साहब 43 प्रकार का शाकाहारी कीट और 163 प्रकार का मांसाहारी कीटा की खोज करी। खोज करके फिर बा जमींदारा ने समझाणो शुरू करो, किसानों ने समझाणो शुरू करो, किसानों ने कहो भी थे जहर ना गिरो, शाकाहारी और मांसाहारी कीटा में वो क्रियाकलाप है देखो। तो बा भी खातर कीट खेत पाठशाला शुरू करी, कीट खेत पाठशाला का नाम बा खेत गमा हफ्ते के अंदर एक दिन क्लास लगानी शुरू करी, जमींदारा ने समझाना शुरू करया। तो जमींदार तो चलो किसान भाई कुछ समझ गया, मां खेत गमा जहर गिरना बंद कर दियो, पर जहर जगह बंद करो बंगे घरे भी लड़ाई शुरू होगी, घरे घर वाले जकी कहते लोग जहर गिरे थे गिरो कोनी आप अनर में बिना रह जाऊंगा। तो डॉक्टर दलाल जी का भी टाइम समझ में आयो भी एक लोग किसान ने नहीं, किसान के घर जकी बिंगी पत्नी है बिन भी हम कीटा को ज्ञान होना चाहिए। तो बा महिला कीट पाठशाला भी शुरू करी। तो बा जमींदारा के अंदर जहर ना डालने के प्रति अलख जगाई और बा एक बहुत बड़ो नारो दियो, बा कहो भी कीटनाशकों के बगैर खेती संभव है लेकिन कीटों के बगैर खेती संभव नहीं। आ बात डॉक्टर दलाल जी कहने दलाल जी के पूरा जीवन संघर्ष के रूप में बीते।
तो एक बढ़िया आदमी हुआ तो बिन मान लो तंग करने वाला भी बहुत हो, अपन तंग भी कराया गया। चलो जिया भी ही वहां आपको जमींदारा ने सब कुछ वहां बतायो, जमींदारा खेत में बैठ के वहां सारो की मान समझायो, जमींदारा की क्लासा भी लगाई, जमींदारा ने कीटा के बारे में बतायो, वहां सारा क्रियाकलाप बताया। तो सारो बांग करता करता परमात्मा ने कुछ और भी मंजूर हो, तो फरवरी 2013 का माँ डॉक्टर साहब स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया। तो स्वाइन फ्लू की चपेट के माँ संघर्ष करता करता 18 मई 2013 ने डॉक्टर साहब मृत्यु लोक ने छोड़ के स्वर्लोक में प्रस्थान कर गया। 19 मई 2013 ने मांगे पैतृक गांव नंदगढ़ के माँ मांगो हजारों लोग नमांखा माँ अंतिम विदाई दी गई, नमंखा अंतिम विदाई देगी। और इन मुहिम ने बढ़ान खातर वहाँ आपका जो बंदा जका ने सिखाए हो वह आगे चलावे। अब आज की किट साक्षरता मिशन की मुहिम है इंगा अग्रणी डॉक्टर बलजीत जी ब्यान और मनवीर जी रेड्डू, सुरेश जी अलावत, रामदेवा जी, सविता जी, बहुत सा जगह बंगा सिखाएड़ा बंदा है जगह पर काम करने लग रहे है। ओ डॉक्टर साहब को जीवन काल हो, धन्यवाद।